हे गाइस, दिस इज आनंद। और आज हम लोग बात करेंगे कि अगर आपका फाइल एक्सप्लोरर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, क्रैश कर रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, खुल नहीं रहा है, तो इसको आप कैसे फिक्स करोगे। तो मैं कुछ सॉल्यूशन आपको बताऊंगा, तो आप सारे सॉल्यूशन ट्राई करना, क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन से आपका प्रॉब्लम ठीक हो सकता है। और ये विंडोज़ 10 और 11 दोनों के लिए है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें कि यहाँ पे सर्च बॉक्स में आएंगे और फाइल एक्सप्लोरर लिखेंगे। और ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन जो लिखा हुआ है, इसमें जाएंगे हम लोग, तो ये विंडो खुलेगा। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो देख रहे हो क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर क्लियर फाइल एक्सप्लोरर हिस्ट्री, यहाँ पे क्लियर पे क्लिक कर देंगे। तो कुछ शो नहीं होगा, बस आप क्लिक करोगे तो आपका हो जाएगा। हो सकता है कि आपके पीसी में यहाँ पे टिक वगैरह किया हो, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये पर्सनली टिक को अपने से हटाया है, आपको बस क्लियर करना है यहाँ पे और ओके कर देना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया है हमारा। और हर एक स्टेप को पूरा करने के बाद, हर एक सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के बाद, आपको देखना है कि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं। तो सेकंड सोल्यूशन पे चलते हैं। टास्क मैनेजर खोलेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, टास्क मैनेजर में जाएंगे और सीधे इसे पकड़ के नीचे आ जाएंगे एकदम। और यहाँ पे आप देख रहे हो विंडोज एक्सप्लोरर, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे। तो ऐसे ब्लैक स्क्रीन जो आया था वैसे होगा और आपका जो विंडोज एक्सप्लोरर है वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड चीज़ भी, सेकंड स्टेप हो गया मेरा। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि डिस्प्ले सेटिंग को चेंज करेंगे। राइट क्लिक करेंगे खाली जगह पे कहीं पे भी और डिस्प्ले सेटिंग पे क्लिक करेंगे। और ये जो मेन रिजोल्यूशन आप देख रहे हो, डिस्प्ले रिजोल्यूशन दिया हुआ है, ये रिकमेंडेड पे होना चाहिए। तो आप एक बार चेक कर लो कि आपका रिकमेंडेड पे है कि नहीं। अगर आपके में रिकमेंडेड नहीं लिखा हुआ है, जैसे मेरे में तो लिखा हुआ है, तो आपको अपने स्क्रीन का साइज़ पता होगा तो उस पर आपको सेट कर लेना है। और ये स्केल जो आप देख रहे हो, ये भी आपका रिकमेंडेड पे होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ आप चेक कर लो, इससे भी कई बार फाइल एक्सप्लोरर में दिक्कत आ जाती है। तो और उसके बाद चौथी जो सॉल्यूशन है हमारा, चौथा सॉल्यूशन, उसमें हम लोग इंडेक्सेस को बिल्ड करेंगे फिर से। तो यहाँ पे आएंगे और सर्च में और इंडेक्स लिखेंगे और यहाँ पे इंडेक्सिंग ऑप्शन जो आ रहा है इसको खोलेंगे और यहाँ पे एडवांस में जाएंगे। और ये ट्रबल शूट जो आप देख रहे हो, यहाँ पे रीबिल्ड लिखा हुआ है, रीबिल्ड पे क्लिक करेंगे और यहाँ ओके कर देंगे। तो इंडेक्सिंग जो है फिर से रीबिल्ड होने लगेगा यहाँ पे थोड़ी देर में, अभी स्टार्ट हो जाएगा जैसे आप देख रहे हो, और ये थोड़ी देर में हो जाएगा। तो जब तक ये नहीं होता है तब तक आपको वेट करना है, और जब हो जाए तो फिर से यहाँ से क्लोज कर देना है। ओके, इंडेक्सिंग कंप्लीट होने के बाद उसे क्लोज कर देंगे हम लोग और उसके बाद से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। रीस्टार्ट होने के बाद देखेंगे कि मेरा प्रॉब्लम ठीक हुआ है या नहीं हुआ है। अगर फिर भी प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो हम लोग टेम्प्रोरी फाइल्स को डिलीट करेंगे, विंडोज़ और आर साथ में दबाएंगे तो रन टूल खुलेगा। और यहाँ पर हमें लिखना है, परसेंटेज का साइन लगाना है, टेम्प और फिर परसेंटेज का साइन लगाना है और इसे ओके करेंगे। तो ये टेम्प्रोरी फोल्डर खुल जाएगा, इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद से डिलीट कर देंगे। इसमें से हो सकता है कि आपके सिस्टम में कुछ फाइल, एक आध फाइल डिलीट ना हो, तो उससे घबराना नहीं है आपको। जितना डिलीट होता है उतना सारे को डिलीट कर देना है और उसके बाद से इसे कट कर देना है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा कि सी ड्राइव अगर आपका भरा हुआ है, जैसे कि मैं खोल के दिखाता हूँ, ये सी ड्राइव अगर आपका बहुत ज़्यादा भर गया है, रेड रेड शो कर रहा है, तो आप इसे खाली कर सकते हो। खाली करने के लिए आप कुछ जो फालतू के बेकार पड़े हुए हैं, कुछ सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करके आपने रखा हुआ है, उन्हें आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। डाउनलोड्स में काफ़ी चीज़ें आपने समय समय पर डाउनलोड की होंगी जो ऐसे बेकार पड़ी होंगी, उसका अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे आप डिलीट कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने सी ड्राइव को खाली कर सकते हो। डेस्कटॉप पर आपने कुछ रखा हुआ है, वो भी सी ड्राइव में ही आता है, तो उसे आप डिलीट कर सकते हो। सी ड्राइव खाली करने के बाद हम लोग विंडोज़ को अपडेट करेंगे। विंडोज़ अपडेट करने के लिए, चाहे विंडोज़ 10 या 11 हो, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे विंडोज़ अपडेट दे रहा है। विंडोज़ 10 में भी आपको सामने ही दिख जाएगा और यहाँ पे चेक फॉर अपडेट करना है। अगर अपडेट अवेलेबल होगा तो यहाँ पर शो करेगा और वो अपने आप डाउनलोड होने लगेगा, तो उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है और फिर दोबारा से चेक फॉर अपडेट करना है, क्योंकि विंडोज़ के अपडेट जो होते हैं वो एक ही बार में डाउनलोड नहीं होते हैं। तो आप दो तीन बार चेक फॉर अपडेट करके देख लेना कि कोई अपडेट बचा ना हो। और उसके बाद से जब विंडोज़ अपडेट हो जाए तो हमें ड्राइवर अपडेट करना है। ड्राइवर अपडेट करने के लिए आप डिवाइस मैनेजर से कर सकते हो, लेकिन बेस्ट तरीका मैंने इस वीडियो में बताया है, ये डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाया है ड्राइवर अपडेट करने के लिए। तो इसमें जो मैंने ड्राइवर बूस्टर का यूज़ करके जो तरीका बताया है, वो आप तरीका यूज़ करो और अपने सारे ड्राइवर अपडेट करो। वैसे तो ग्राफिक ड्राइवर मेन है इसमें अपडेट करना, लेकिन आप सारे ड्राइवर अपडेट कर लो, क्योंकि ड्राइवर्स आपके हमेशा अपडेट रहने चाहिए जिससे आपका लैपटॉप या पीसी अच्छा काम करे। ड्राइवर अपडेट करने के बाद सिस्टम को रीस्टार्ट करना जरूरी होता है, तो आप फिर से रीस्टार्ट करो ड्राइवर अपडेट करने के बाद और देखो कि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे CMD लिखेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे और उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे SFC
स्पेस देंगे, स्लैश लगाएंगे और स्कैन नाउ लिखेंगे और इंटर करेंगे। तो ये सिस्टम को स्कैन करता है और जो भी करप्टेड फाइल्स होती हैं उनको ठीक कर देता है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ये करीब 10 मिनट या 15 मिनट टाइम ले लेगा। तो जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप ऐसे रुके रहो, और ये कंप्लीट होने के बाद अगर प्रॉब्लम होगी तो उसे फिक्स कर देगा। ओके दोस्तों, तो वेरिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया है और यहाँ पे लिख रहा है कि विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन फाउंड करप्ट फाइल्स एंड सक्सेसफुली रिपेयर दे, मतलब कि मेरे सिस्टम में भी कुछ करप्ट फाइल थी जिसको ये सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया है। तो आपके में भी अगर होंगी तो वो रिपेयर कर देगा, अगर नहीं होंगी तो भी बताएगा कि कोई करप्ट फाइल नहीं मिली है। तो इसके बाद आप इसे कट कर दो और देख लो कि आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम ठीक नहीं हुआ है तो मैं एक बार ये बोलूँगा कि आप सिस्टम को रीस्टोर कर लो। मैं फॉर्मेट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, रीस्टोर एक अलग चीज़ होती है जिसमें आपका सिस्टम बस कुछ दिन पीछे जाता है। तो होता क्या है कि इस दौरान, इस कुछ दिन के दौरान, जैसे मान लो 4 दिन पहले आप अपना सिस्टम करते हो, तो इस 4 दिन के दौरान जो प्रॉब्लम आई रहेंगी वो सब हट जाती हैं क्योंकि आपका सिस्टम उतना दिन पीछे चला जाता है। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है कि ये कैसे काम करता है और ये कितना इंपॉर्टेंट फीचर है। तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑल राइट गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट जरूर करना, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।